मॉर्निंग स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात की थी। तो जो सबसे पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच है, दैट इज नाउन। अभी सेंटेंस को पढ़ते हैं। हरी इज टॉल, द डॉग इज मैड, आई लिव इन डेली, द रोज इज ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे हरी क्या है, एक आदमी का नाम है। डॉग क्या है, एक एनिमल का नाम है। और डेली क्या है, शहर का नाम है। और रोज क्या है, एक फ्लावर का नाम है। तो जो हरी है, डेली है, डॉग है, रोज है, ये सब क्या है, किसी चीज़ के नाम है। इनको हम एक वर्ड होते देते हैं, दैट इज नाउन। और नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और ए थिंग, किसी आदमी का नाम, किसी जगह का नाम या किसी चीज़ का नाम। अब काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन कितने टाइप के होते हैं। फर्स्ट है प्रॉपर नाउन। अब प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन और प्लेस, किसी भी आदमी का नाम या किसी जगह का नाम, वो होता है प्रॉपर नाउन। जैसे राम, अब्दुल, डेली, मुंबई। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन होता है एक जो पूरी क्लास की बात करते हैं। क्लास मतलब जैसे हमने बात की काउ की, तो हमने एक काउ की बात की, लेकिन उसमें सब की बात हो जाती है। हमने बात की टेबल की, टेबल वर्ड दे दिया तो सारी टेबल जितने उनकी बात हो जाती है। ये सब क्या होते हैं, कॉमन नाउन में होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में वो होता है जो चीज़ हमें दिखाई नहीं देती, हम उसको फील कर सकते हैं। जैसे हैप्पीनेस, खुशी है, हम खुशी को देख तो सकते नहीं, वैसे उसे महसूस कर सकते हैं। ऑनेस्टी, पावर्टी। फिर अगला है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन में बहुत सारे लोग एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं और उसको हम एक नाम देते हैं। जैसे टीम है, टीम में 11 लोग एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं और उसको हम नाम देते हैं टीम, तो दैट इज कलेक्टिव नाउन। ऐसी आर्मी है, आर्मी में बहुत सारे सोल्जर इकट्ठा हो जाते हैं, तो दैट इज कलेक्टिव नाउन। और लास्ट है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्टिकुलर काइंड ऑफ मैटर, किसी भी मैटर का नाम, जैसे कॉपर है, आयरन है, गोल्ड है, दैट इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। ठीक है बच्चों, थैंक यू एंड हैव ए गुड डे।